भाई राम राम। ये कटोरा यहाँ आपको गन्ने भी मिलेंगे भाई साहब, भयंकर भीड़ है यहाँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो भाई अभी हो चुके हैं सुबह के 5:15 और आज है संडे। सो आज राइड नहीं है, ड्राइव है, सफारी ड्राइव। तो फुल रेडी हो चुके हैं। सो आज की जो ड्राइव है वो है बॉस के साथ। बॉस अगर फुल फॉर्म में बताऊं तो बैंड ऑफ सफारी सॉल्स। सो ये भी पैन इंडिया ग्रुप है। सो आज मेरी फर्स्ट बॉस के साथ ड्राइव है। सो चलिए जल्दी से चलते हैं और जो भी कुछ है वो आपको मैं गाड़ी में बताता हूँ। सो भाई चलिए निकलते हैं। गाड़ी में ले आया था तो चलिए करते हैं इस ड्राइव को शुरू। टाइम हो चुका है 5:41। सो चलिए, सभी को बाय बाय बोल दिया है, लेट्स गो। और आज अभी मैं जा रहा हूँ सेक्टर 29 गुड़गांव लेजे वैली पार्क, जो कि अपनी फर्स्ट एवर सफारी मीटअप था। वहीं पर आज फिर से मीटअप होने वाला है, मतलब एक मीटअप लोकेशन रखी गई है वो। एंड देन आज हम जा रहे हैं प्रतापगढ़ फार्म हाउस। और ये बॉस की तरफ से ड्राइव है, बट ये स्पॉन्सर्ड है सोल बाय टाटा, जो कि टाटा का ऑफिशियल सफारी ग्रुप है पूरे इंडिया में। अभी यहाँ से मैं गुड़गांव जा रहा हूँ सेक्टर 29, ऑलमोस्ट यहाँ से 55 किलोमीटर्स दूर है। एंड अगर मैं डायरेक्ट प्रतापगढ़ फार्म जाता हूँ वो 30 किलोमीटर है, बट वही ना यार, मज़ा मिस नहीं करना चाहते, आप लोगों को भी वो मैं मिस नहीं करवाना चाहता। सो इसलिए मैं अभी सेक्टर 29 जाऊँगा, 55 किलोमीटर अप्रोक्स वो है, एंड देन वहाँ से फिर 40 के अप्रोक्स जो लेजर वैली नहीं जो प्रतापगढ़ फार्म से वो है। सो कोई नहीं, आते वक्त डायरेक्ट आऊँगा मैं, बट अभी ठीक है, सब मिलेंगे, बातचीत होगी। एक कॉन्वॉय, यू नो, जो मज़ा कॉन्वॉय में चलने का है वो किसी चीज़ में नहीं है। सो उसी कॉन्वॉय के लिए मैं इतनी लंबी ड्राइव करके और तब जा रहा हूँ। सो चलिए। सो हर हर महादेव। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। सो मैं जो लद्दाख से फ्लैग्स लेके आया था वो मैंने कल सुबह ही गाड़ी में लगाए हैं। अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे, बट मैं जैसे ही रोशनी होती है तब मैं आपको दिखाऊं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। सो भाई पहुंच चुके हैं लेजर वैली पार्क। एक सफारी आ चुकी है। हेलो सर। क्या हाल है? अच्छे सर। कब आए? हो गया 15 मिनट हो गए। ओके आज। सो चलिए भाई मिलते हैं सभी से, मतलब सभी तो क्या, अभी बस एक ही गाड़ी आई है, बट देख रहे हो अभी 7 बजे हैं। मेरे को बहुत दूर से आना था, तब भी मैं मतलब पहले आ चुका हूँ। सो चलिए मिलते हैं। हेलो सर, विकास। विकास कैसे सर? अभी और कोई नहीं आया? मैं तो रोहतक से आया हूँ, मेरे को ये लग रहा था मैं लेट हो जाऊंगा, बट चलो प्रत्युष बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। हाँ वो भी ऑन द वे है। सो चलिए भाई अभी करते हैं सभी का वेट। हाँ जी, तो आप कब से ज्वाइन किया हुआ आपने? मैंने ये मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, बट मेरी ये फर्स्ट है। मेरी भी फर्स्ट। अच्छा है यार, कम से कम
सारे सफारी वाले मिलेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, और एक अलग सी मतलब बोन भी बनती है। बिल्कुल। सो भाई बैक टू बैक गाड़ी आना शुरू हो चुकी हैं। कैसे सर, कैसे? सो भाई अभी अपने पे स्टिकिंग हो रही है अपनी गाड़ी पर, तो अभी अपने को 20 नंबर मिला है। 30 प्लस सफारीज आज हमें ज्वाइन करने वाली हैं। चलिए अभी ब्रीफिंग लेते हैं, क्या बताते हैं क्या नहीं, तो चलिए। सो भाई पूरा लाइनअप हो चुका है, पीछे तक आप देख सकते हैं, एंड इस साइड एक रो में नहीं हो सकता, बहुत लंबा लाइनअप होता, बट जितना भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए भाई फ्लैग ऑफ हो चुका है, तो निकलते हैं हम भी। और अभी पंचगांव एक 15 मिनट्स का स्टॉप है, ब्रेक है, सो चलिए वहीं मिलते हैं आपसे। सो लेट्स गो, मिलते हैं आपको पंचगांव। सो पंचगांव पहुंच चुके हैं, वो सामने पंचगांव रहा। सो अभी 10-15 मिनट्स का होल्ट है यहाँ पर। अलग ही मतलब यार लोगों में अलग ही क्रेज देखने को मिलता है, मतलब रिएक्शन क्या गजब पूरे रास्ते, मैं सच में रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट क्या रिएक्शन थे ना लोगों के। सो भाई निकल चुके हैं पंचगांव से, जस्ट एक कॉफ़ी ली। सो भाई पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़ फार्म्स। भाई साहब इतना क्राउड, मेरे को लगा था कि खाली मिलेगा अंदर, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होगा, बट भाई बहुत बहुत, ये सभी गाड़ियां लग चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर हमारा स्वागत पूरे बैंड बाजे से होगा। ये सामने प्रतापगढ़ फोगाट हवेली। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई हैव सीन योर व्लॉग मेनी टाइम बिफोर बाइंग माय कार। ओके। चलो चलो, नंबर आ गया हमारा, टर्न आ गई हमारी। आओ सही। ठीक हो? वो छोटे छोटे बच्चे मस्त एंजॉय कर रहे हैं ढोल पर, बैंड पर। तो अभी हम सभी बाहर खड़े हैं, तो थोड़ी देर में चलते हैं। सो भाई बैंड मिल चुका है, और बैंड मिलने के बाद ही अंदर एंट्री होगी। थैंक यू सर। तो चलिए अभी चलते हैं अंदर।
तो भाई ये है कैमल कार्ट और यार ये प्रतापगढ़ फार्म इतना बड़ा है, आप मतलब पूरे दिन में अगर सिंगल टाइम एक एक एक्टिविटी करोगे तब भी पूरी आप नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज हरियाणवी ढेर के तौर दिस इज कॉल्ड बूंगा, मतलब भैंसों के लिए चारा वगैरह रखते हैं इसमें। एंड ये कटोड़ा लगभग ऐसे ही कुछ शेप होती है, मतलब इन्होंने तो मिट्टी ईंटों से बना रखा है जिसमें गाय के उपले रखते अंदर ताकि वो बारिश में भीगे ना। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल रॉ फीलिंग आने वाली है। एंड ये देखो भूंगा ऐसा ही होता है, अभी तो इन्होंने ये टाटी वगैरह से बना रखा है, वैसे ये इससे बनता है, इस फूस से। तो चलिए आज बिल्कुल मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त। सो भाई ये यहाँ पर गौशाला है, बहुत सारी गौ माता अंदर मतलब अच्छे से फीड वगैरह करते हैं, मतलब ये मेरे घर से सिर्फ और सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये यहाँ पर कैमल, और मैं आज तक नहीं आया बट ठीक है आज आए हैं। सो चलिए अंदर, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है। गुड मॉर्निंग मास्टर जी, देखते हैं क्या करते हैं। अभी मैं मुक्तेश्वर गया था तो दो गाड़ी थी, हम लोग की सफारी मेरी और एक फ्रेंड की जीप का पास। तो जो रिजॉर्ट था वो एक ऑफिस लोकेशन था, बहुत एक्सट्रीम वॉक रोड था, एक्सपेक्टेड नहीं था। रिजॉर्ट वाले ने मुझसे पूछा कि कौन सी गाड़ी है, बोला एक तो जीप का पास है, एक सफारी है। सर जीप तो आ जाएगी, सफारी का डाउट है, ईगो हर्ट हो गया। बोला कोई बात नहीं, मैं आपके ड्राइवर अरेंज कर देता हूँ, आप जीप तो ले आना और आपकी सफारी को मेरा ड्राइवर ले आएगा। तो मैं वहाँ पहुँचेगा उसका ड्राइवर खड़ा था, बोला भाई तो हट जाओ गाड़ी तो जाएगी। हल्के से गियर चेंज किया और गाड़ी बढ़ाई,
कहता है इट्स मूविंग। मैंने कहा ठीक है आप कॉल पे रहो, मैं पीछे होल्ड कर रहा हूँ, आप अटल टनल पार करके नीचे उतर जाओ, देन आई एम होल्डिंग। सो देन ही क्रॉस द अटल टनल, नीचे आया, ही सेड सर आई हैव रीच्ड सेफली एंड गाड़ी इज वर्किंग फाइन, थैंक यू वेरी मच। तो उसके बाद ही केम बैक टू दिल्ली एंड ही कॉल्ड मी, ही सेड कि मुझे अपने ग्रुप में ले लो। मैंने कहा ठीक है, दैट डेफिनेटली आई विल ऐड यू। आई थिंक ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम समवेयर फार फ्रॉम साउथ। सो दैट वाज एन अमेजिंग मींस how we are connected, that's what shows me. It's every safari owner is connected to everyone and we are always ready to help. So okay, dam upar ja raha tha and mujhe the ram there was a u turn and again it was going about 40 degree up. तो मैं नीचे से देख रहा हूँ, और उसके पहले मैं सीढ़ी चलाता था, तो मैं कहा यार ये चढ़ेगी इस पे, तो बंदा कहता सर पजेरो चढ़ गई थी, आगे वाला है ईगो पे आ गई बात, तो आई जस्ट पुट ऑन द वेट मोड सो दैट आई डजंट स्लिप एंड इट क्लाइंब परफेक्टली। और उसके बाद मैंने तीन चार बार और चढ़ाई। दिस वाज माय लव रिलेशनशिप कि गाड़ी डज नॉट डिसअपॉइंट यू। हेट रिलेशनशिप वी वेंट टू टेंपल जो थोड़ा सा ऑफ रोड था, और वहाँ पे गाड़ी पार्क करके जूते निकालने के लिए आई पुट माई सीट फुली बैक एंड फुली डाउन, इलेक्ट्रिक सीट हो गया, मंदिर में दर्शन करके आए, मत्था टेक के आए, आके सीट वुड नॉट गो अप, वोंट गो इन फ्रंट, मैं ऐसे कैसे चलाऊंगा बिकॉज आई वाज थिंकिंग। तो आयरा ऐप में खोला, कुछ भी किया, उसको डीलर को फोन किया, उसने बोला सर हमें 3 घंटे लगेंगे आप तक आने में, बिकॉज यू आर एट अ रिमोट लोकेशन। मैं चलो ठीक है, फिर मेरे पास लकीली माई लगेज वॉज इन द बूट, तो मैंने बूट में से 5 जीन्स निकाली, माई बम अभी हम हैं वो बॉस एंड सॉल जो टाटा मोटर्स का ऑफिशियल ग्रुप है। सो ये स्पॉन्सर्ड है, हमें फ्री में मिला है, काफ़ी अच्छा बैग है। अभी लंच का टाइम हो गया,
सो चलिए करते हैं लंच, दिखाता हूँ क्या क्या अवेलेबल है लंच में। एंड ऑल डे स्नैक्स अवेलेबल रहेंगे, जो कुछ खाना है आप खाइए। सिर्फ आपको एक चीज़ चाहिए होगी, वो है ये। सो भाई अपना खाना आ चुका है, घी नूडल्स, शाही पनीर, राजमा, रायता, तवा रोटी, मेसी रोटी और ये हलवा। सो चलिए यार, सुबह से कुछ नहीं खाया, करते हैं जल्दी से लंच। एंड और भी काफ़ी चीज़ें, मैं वो आपको बात करूँ। सो भाई लंच हो गया है, एंड आपको जैसे ही डाइनिंग हॉल से बाहर निकलोगे तो यहाँ पर स्वीट्स में भी है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, भेरी बुरी एंड इधर चाट पापड़ी और सबसे तगड़ी चीज़ वो मैं जब खाऊंगा तभी मैं खाऊँगा। चलिए हल्का फुल्का टेस्ट लेते हैं भी, और अभी मीठा खाने का तो मन नहीं है क्योंकि अभी जस्ट बहुत सारा हलवा खाया भाई। हलवा बहुत टेस्टी था, खाना ओवरऑल बहुत टेस्टी था। कम देना भैया, थैंक यू। तो भाई तेल मिर्ची बहुत थी यार, और जिसकी मैं बात कर रहा था दूध और जलेबी, तो जलेबी अभी गर्मा गर्म वो लग रही है। सो भाई आ चुके हैं अभी जलेबी और ये दूध। भाई खाने को बहुत कुछ है। अब ये देखिए जैसे सामने बाजरी खिचड़ी, घी पूरा, गुलगुले, मतलब आप कभी चौकी धानी गए हो राजस्थान तो वो वहाँ का जो स्पेशल जो पूरी स्टेट का फूड होता है वो वहाँ खिलाते हैं, तो यहाँ बिल्कुल देसी हरियाणा टाइप, हरियाणा टाइप नहीं, देसी हरियाणा का जो भी होता था खाना वो मक्के की रोटी, साग, सब कुछ, गुलगुले, खिचड़ी, हर तरह की खिचड़ी। तो एंड ड्रिंक्स में छाछ है और शिकंजी वगैरह सब कुछ है। ये यहाँ पूरा फार्म है इनका, देसी घी सब कुछ मैंने आपको दिखाया, गौशाला वहाँ पर थी, तो सब कुछ इनका अपना इसी, मतलब एक पूरी तरीके से ये गांव बसा रखा है कि सब कुछ दूध घी दही सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा, बाहर से आपको नहीं लेके आना पड़ेगा। सो चलिए देखते हैं और क्या कुछ खाने का मिलता है। और यहाँ आपको गन्ने भी मिलेंगे बढ़िया ताज़ा ताज़ा यार, बढ़िया से दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दिया बस, थैंक यू। सो चलिए गन्ना चूसते हैं फिर मिलते हैं। सो भाई अभी गुलेल से खेलेंगे थोड़ी देर, बच्चे हैं अंदर, पहले गुलेल से खेलते फिर आर्चरी भी है उसके बाद वो करेंगे। सो लेट्स गो। क्या थी बट अब ये बार अगर नहीं लगता तो छोड़ देता, बट लास्ट टाइम नहीं लगता तो अभी देखते हैं। आर्चरी भी उसी तरफ है तो हम मारते हैं गन से खेलते हैं। सभी में अपना बस एक एक बार ही लग रही है यार, खैर इसमें तो मैंने सिर्फ दो बार ट्राई किया, एक बार लग गया और एक बार नहीं लगा। ताऊ राम राम पीटे ताऊ बेचो ताऊ है, एक तरीके का स्टूल होता है बैठने का, इसको हरियाणा में पीठा बोल देते हैं, बोल देते हैं क्या। तो आपको यहाँ पर जैसे देसी घी या कुछ भी जैसे बना रहे हैं तो आपको वो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगी।
एंड प्योर देसी चीज। कोई पता ही नहीं है कुछ, कूद रहे हैं वो। नीचे तालाब है, अगर गिरे भी तो चोट नहीं लगी। देख लो, डर नहीं लग रहा है बिल्कुल बेटा, हिला मत यार। तो एक पड़ाव हमने पार कर लिया है एंड हर हर महादेव। सो बाउंसी जोन, चले चलते अंदर। बोल रहा है तो चलिए अभी करते हैं, बोल रहा है। सर हमने नहीं किया क्योंकि शूज उतारने पड़ते हैं, कौन उतारता कौन पहनता। बट यहाँ काफ़ी सारी हंगरी हिप हॉप, मेल डाउन मैन, ये बंजी रन, बंजी बास्केट काफ़ी सारे हैं। और एक ये मस्त, ये तो झूले हैं, ये ड्रैगन में तो हम ज़रूर बैठेंगे, बट इसके लिए लाइन बहुत लंबी है। तो देखते हैं बैठ पाते या नहीं। राइड में तो अपना नंबर आया नहीं क्योंकि बहुत सारे स्कूल के बच्चे खड़े थे। हमने ये चश्मे ही पहन लिए, बहुत सारे ये हैं यहाँ पर, कैप है, सेंटा। और ये भाई ट्रैक्टर राइड बच्चों के लिए, मतलब पिकनिक स्पॉट, बहुत औसम है ये। बच्चे थक जाएंगे बट पूरा एडवेंचर कर नहीं पाएंगे। इंडोर आउटडोर जो आप स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो वो हर एक चीज़ है। और यार बहुत बड़ा है ये, बहुत बड़ा सीरियसली। ओके, ज़िपलाइन, बंजी, ज़िपलाइन देखते हैं, अगर अवेलेबल हुई तो ज़रूर करेंगे। भाई साहब भयंकर भीड़ है यहाँ। कभी यार मैं फिर से एक बार प्लान करूँगा पूरी फैमिली के साथ, और जब वीकडे होगा तब, क्योंकि आज संडे है। बहुत से स्कूलों की आज पिकनिक पार्टी, मतलब यहीं पर वैसे भी बहुत लोग आ रहे हैं, आप देख ही रहोगे भी। तो और अब तक यार सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे को पता, देखो ओवरऑल बहुत अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है, बट सबसे ज़्यादा मज़ा वहाँ पर आया जहाँ डीजे चल रहा था। और ये है भाई एडवेंचर जोन, ये झूले, देसी स्विंग्स, इधर बास्केटबॉल। ओह भाई, ये इस तरह बच्चों के झूले वगैरह, ये प्रॉपर पूरा एडवेंचर जोन है। विकास ओलान ब्लॉग। सो भाई घूम घूम के थक चुके हैं, तो अभी
आ चुकी अपनी चाय, तो चाय पीते हैं और फिर और लोगों को ढूंढते हैं और फिर बैठते हैं थोड़ी देर, क्योंकि सुबह से घूम रहे हैं, सुबह 4 बजे से। चाय अच्छी है। सो भाई, आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे, तो अपना जो 4:30 का मीटअप था दोबारा से उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो वो कैंसिल कर दिए। तो अभी निकलते हैं यहाँ से घर, काफ़ी मज़ा आया। राम राम दाऊ। सो भाई, निकल चुके हैं यहाँ से एंड आज बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया भाई। आज सभी से मिलकर बहुत मज़ा आया, सभी बहुत फ्रेंडली थे और मज़ा आया, मतलब इस मीटअप में भी और सबसे मिलकर भी, और लोकेशन भी बहुत अच्छी थी। सो चलिए अभी चलते हैं, अब आए हैं यहाँ जाकर नेटवर्क, पता चलेंगे ना, गाने चल रहे हैं, फ़ोन के मैसेज आ रहे हैं। सो चलिए यार, पहुँच चुके घर, करते हैं इस व्लॉग का एंड। और क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा इस व्लॉग में, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ओ भाई, ट्रक वाले ने उसमें ऑटो रिक्शा में, शिट मैन। एक्चुअली यार ट्रक की तो हम नहीं कहेंगे गलती, उस ऑटो वाले ने बिल्कुल ट्रक के पीछे लगा दी, और यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है, तो यार इतना बड़ा व्हीकल है तो पता नहीं। चलो बट किसी को ऐसी चोट लगी नहीं। सो चलिए यार, अगर आपको यहाँ तक व्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकॉन। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।